हेलो दोस्तों, BK BU3 NH के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे साथ में आज एक भाई है जो बहुत दूर से आए, 800 किलोमीटर दूर से, जो गंगानगर से। तो वो हैम रेडियो में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको बताएंगे हैम रेडियो क्या है और कैसे है, और वो उनका अनुभव बताएंगे कि वो कैसे इसमें हैम रेडियो में आए हैं, और आपको डिटेल बताएंगे। ओके सर, आप बताइए। सर नमस्ते जी, नमस्ते। मेरा नाम कुलदीप है और मेरा रेम रेडियो का कॉल साइन है विक्टर यूनिफॉर्म 2 जुलू किलो चार्ली, यानी VU2ZKC। और एमेचर रेडियो क्या है? एमेचर रेडियो एक साइंटिफिक हॉबी है, जो साइंस में रुचि रखते हैं, कम्युनिकेशन में रुचि रखते हैं, उनके लिए। और इसमें एक ऐसा वॉकी टॉकी है, एक एग्जांपल के लिए ये छोटा वॉकी टॉकी है, इसकी पावर के हिसाब से इसकी दूरी तक बात होती है। जैसे ये 5 वाट का है तो सिटी एरिया में अराउंड 2-3 किलोमीटर, और अगर खाली जगह है, रूरल एरिया है, तो करीब 5 किलोमीटर मार सकते हैं। इतनी दूर तक ऐसा ही किसी सेट रखने वाला आदमी, यानी कि दूसरे हैम से आप बात कर सकते हैं। और इसी तरह के बड़े सेट भी आते हैं, ये VHF UHF है, HF के सेट भी आते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं HF, उसमें आप दुनिया भर में कहीं भी बात कर सकते हैं। तो उसके एंटीना भी बड़े होते हैं और पावर भी उसकी बड़ी होती है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, साइंटिफिक बातें कर सकते हैं, अपनी नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं, और देश विदेश में अपने दोस्त बना सकते हैं किसी भी तरह की टेक्निकल हेल्प के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह की साइंटिफिक हॉबी में, तो आपको एक पेपर देना पड़ता है, एक एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। एग्ज़ाम में 2 पार्ट होते हैं, एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है और एक मोर्स कोड का पार्ट होता है, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो अगर इसमें 2 ग्रेड होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड ग्रेड और जनरल ग्रेड। जनरल ग्रेड को थोड़ी ज़्यादा पावर यूज़ करने की इजाज़त होती है, रिस्ट्रिक्टेड ग्रेड को थोड़ी कम पावर यूज़ करने की इजाज़त होती है। और जनरल ग्रेड का अगर आप पेपर देना चाहें, तो उसमें आपको मोर्स कोड का पेपर देना पड़ेगा, टेलीग्राफ जिसको पहले बोलते थे। और अगर आप वो नहीं देना चाहें, तो फिर आपको लिमिटेड पावर यूज़ करने की परमिशन मिलेगी। बहुत आसान पेपर होता है, इजीली पढ़ाई करके आप पेपर ले सकते हैं। यही है मोर्स हैम रेडियो के बारे में जनरली। सर, इसमें हम जो हैम रेडियो से बात करना है, तो इसका क्या क्या बात करना है? सर, जनरली बात कर सकते हैं या और इसमें कुछ नियम है जो कि बात किस चीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं इसके ऊपर? हाँ, इसमें बिल्कुल क्लियर नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशन। जो पेपर फर्स्ट पेपर का जो पार्ट है, उसमें बकायदा एक ही चीज़ बताई है, आप किसी भी तरह की बिजनेस की बातें, पॉलिटिकल बातें, ये चीज़ें नहीं कर सकते। हाँ, पर्सनल बात हुई, साइंटिफिक है, कोई नॉलेज शेयरिंग करनी है, कोई टेक्निक आपने साझा करनी है, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो साझा करनी है, कुछ पूछना है, तो उस सब में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी कंट्री के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में अगर आपका कम्युनिकेशन हो पाता है, तो आप बात कीजिए। और आजकल तो सैटेलाइट के माध्यम से आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ जो वैज्ञानिक जाते हैं उनके पास भी एक स्टेशन है, उससे भी बात कर सकते हैं। समुद्र में जो लोग जाते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। अब बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई है, जैसे BK क्लब स्टेशन जो है माउंट आबू, इन्होंने मुझे सेवा करने का मौका दिया। तो एक एकोलिंक सॉफ्टवेयर है, जिससे आप रेडियो को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 क्लब के 2 रिपीटर हैं, VHF और UHF, और एक लिंक नोड जो यहाँ पे नीचे हैं। दोनों रिपीटर ऊपर पहाड़ी पर हैं और लिंक नोड यहाँ पे ग्राउंड पर हैं, तो तीनों को एकोलिंक से जोड़ा है। इसमें क्या हुआ कि ये जो सेट जो पहले थे रिपीटर के थ्रू गुजरात के कुछ एरिया तक और यहाँ लोकल एरिया में काम करते थे, और अब इंटरनेट से जुड़ने के बाद इनकी लिमिट ख़त्म हो गई, अब ये वर्ल्ड वाइड हो गए हैं। कोई भी आदमी, जहाँ तक इंटरनेट की पहुँच है, वहाँ तक ये रिपीटर काम करेंगे। इंटरनेट मोबाइल में या कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर एकोलिंक का इंस्टॉल करके और वैलिड कॉल साइन वेरीफाई करने के बाद, आप मोबाइल से या इंटरनेट से यहाँ पे अपने आवाज़ जो है निकाल सकते हैं, और यहाँ पे जितने भी यूज़र्स से इन रेडियो के थ्रू आपसे बात कर सकते हैं। भले ही आपके पास ऐसा रेडियो ना हो, अगर आपके पास मोबाइल भी है या कंप्यूटर में है, तो आप वहाँ से ऐसे रेडियो लेने वाले आदमी जो इस रिपीटर की रेंज में है, किसी से भी बात कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे 3 लिंक लगाए हैं, तो ये चीज़ है जी। सर, इसमें जैसे कि अभी समझ लो हम मोबाइल स्मार्टफोन से हम बात करते हैं, इकोलिंक से सॉफ्टवेयर थ्रू से डिजिटल से,
तो वो तो ठीक है, जब मान लो जैसे कल इंटरनेट फेल हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो हम इससे कैसे दूर दूर तक बात करते हैं। ये तो जैसे 5 वाट का है, जिसके पास 50 वाट या 100 वाट नहीं होता है, तो उसके क्या कर सकता है उसके जगह में। इंटरनेट ये जो सॉफ्टवेयर है इकोलिंक, या जो जितने भी इंटरनेट के चलने वाले डिजिटल मोड्स हैं, DMR या D-Star, बहुत एडवांस मोड्स हैं, तो उसमें इंटरनेट के बिना कुछ नहीं हो सकता। उसमें मीडियम जो है वो इंटरनेट ही है। अगर आपका इंटरनेट बंद है तो आप नहीं काम कर सकते, उस टाइम से यही काम आएगा। ये जो सेट है इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, रेडियो टू रेडियो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। ये इसकी लिमिट्स होती हैं पावर के हिसाब से। जैसा मैंने पहले कहा, अगर आपके पास HF सेट है तो आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी बात कर सकते हैं, उसमें कोई सिग्नल जाने का, कोई ऑपरेटर के किसी तरह के बंद करने का कोई सिस्टम नहीं होता, हमेशा चलता है। हाँ, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि आपकी इस समय आपके सिग्नल कहाँ तक पहुँच रहे हैं, दिन के टाइम कहीं और पहुँचेंगे, जो आयनोस्फीयर है उसकी कंडीशन के हिसाब से। वही हॉबी का मजा है कि आज आपकी अमेरिका में बात हो रही है, कल आपकी जापान में बात हो रही है, तो ये एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करता है। जितने भी अदर मीडियम्स है कम्युनिकेशन के, मोबाइल है, ईमेल्स हैं या वीडियो कॉल्स जितनी भी हैं, वो सब इंटरनेट बेस्ड हैं। अगर इंटरनेट बंद हुआ या गवर्नमेंट ने बंद किया या किसी ऑपरेटर ने किसी कारण से बंद किया, कुछ केबल कटी, तो वो सब डाउन हो जाएगा, आपके पास कोई अदर मीडियम नहीं रहेगा। जबकि ये कभी बंद नहीं होता, ये हमेशा कम्युनिकेशन करता रहेगा। ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छा।